أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تمام امت مسلمہ کو اور تمام میری آواز سننے والوں کو عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھنے والوں کو سبھی کا اور میری پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اللہ پاک نے جو ہمارے پر ایک خوبصورت مہینہ نازل فرمایا ہے وہ ہے رمضان المبارک پہلا عشرہ اختتام کو پہنچا اور آج گیارہواں روزہ ہے اور آج جو گیارہویں روزے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مغفرت کا عشرہ مغفرت کی جب میں بات کروں تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر پل ان چیزوں سے روکا ہے جو گناہ کا سبب بنتی ہیں اور میرا رب فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک کے گناہ تمہارے ہوں گے نا اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے معافی چاہو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا یہ میرے رب کا ہم پر کرم ہے کیونکہ وہ غفار ہے رحیم ہے رحمان ہے وہ مالک ہے قدوس ہے سلام ہے وہ ہمارے سارے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں کو صرف ہماری اتنے سے کہنے پہ کہ اللہ تو ہمیں بخش دے میں اپنے صغیرہ و کبیرہ و گناہوں سے معافی چاہتا ہوں تو وہ غفور الرحیم ہے وہ بخش دیتا ہے اور اگر دنیا داری کی بات کریں تو ہم تو ایک دوسرے پر اتنا الزام لگاتے ہیں اور پھر ہمارا اتنا بڑا دل بھی نہیں چاہے ہمارے ایک شکم سے اپنی ماں سے پیدا کیے ہوئے کیوں نہ ہوں ہم کہتے ہیں نہیں 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 بہت ہو گیا یہ جب ہے تب مجھ پہ الزام لگاتے تھے یہ جب ہے مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے اب نہیں معاف کروں گا اور میں اب اس کا کوئی پردہ نہیں رکھوں گا یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے میرا رب کہتا ہے جب ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہماری پردہ داری کر تو کیسے کرے گا وہ پردہ داری
मेरा रब कहता है तू दूसरों की बातों पे पर्दा डाल, मैं तेरी गुनाहों पे पर्दा डालूंगा। तू दूसरों के गुनाहों के ऐबों के ऊपर पर्दा डाल, मैं तेरे ऐबों पे पर्दा डालूंगा। लेकिन वो कैसे डालेगा, क्योंकि हमें तो कभी किसी की बुराई तो पता चल जाए फिर देखे हम क्या करते हैं। आंखों से देखा हो ना हो, सिर्फ कानों से सुना हो, तो हम देखे कैसे अपनी जबान का इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये बायोडेटा आगे ट्रांसफर करते हैं। काश के वो शख्स जो कोई बात हमें बताने से पहले ये सोच ले, ठीक है मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मेरा रब ये तेरा और उसका मामला है, मैं इसको आगे नहीं, क्योंकि आगे बताना इस कदर गुनाह है कि मेरे रब को, मेरे नबी को ये फेल कतई ना पसंद है। अगर अपने गुनाहों को, अगर आप चाहते हो आप गुनाहों से पाक रहें, तो वो मत देख जो तुझे तेरे रब ने मना फरमाया, वो मत कह जो इससे मेरा नबी नाराज होता है, मेरे मौला अली नाराज होते हैं, वो मत सुन जिससे मेरा नबी नाराज होता है और मेरा मौला अली, और जब ये नाराज होते हैं तो सोच ले हमारा रब नाराज होता। किसी को कहना इखलाक की बात है, अगर कोई आपको कोई बात, ये नहीं कि किसी चीज से मना है, ये भी मैं बता दूं, अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको सरेआम आप उसको जलील करें, ये आपको हक नहीं दिया। अगर सीखना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखलाक सीखे ना, हम सीखना नहीं चाहते। हमारे माँ बाप बहुत अच्छी बातें करते हैं, मैं अपने माँ बाप, हम अपने माँ बाप को बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। हम दुनिया में जब जाते ना तो समझते यही हमारी दुनिया है, और फिर हम गुनाहों की दलदल में झूठ बोल बोल के, हराम खा के, और हम समझते हैं कि हम इस दलदल में इतने 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 धस जाते हैं, फिर हमसे निकला नहीं जाता, क्योंकि हम आदी हो जाते हैं, हम यूज टू हो जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच, क्योंकि हमें फर्क ही नहीं नजर आता। कहते हैं जब आदी हो जाए ना बंदा, तो फिर उसे नहीं पता चलता मैं झूठ कितना बोल रहा हूँ, मैं सच कितना कह रहा हूँ। किसी पल, खुदा ने ये रमजान और मुबारक इसीलिए दिए कि हम अपनी खुद सफाई कर सकें, अंदर से और बाहर से। हर एक एक मिनट हमें अल्लाह पाक इस रमजान और मुबारक में बताते हैं कि कहाँ कहाँ तुम कोताही कर रहे हो। अपने माल की जकात दो, झूठ ना बोलो, गीबत ना करो, सजदा करो, इबादत करो। और अशरों से हमें सिखाया है कि तू, तेरे को रहमत के तेरे दरवाजे खोल दिए, तू बांट, तेरे मगफिरत के दरवाजे खोल रही हैं, तू माफ़ी मांग। और अल्लाह पाक को वो अपने लोग इतने पसंद, अपने बंदे इतने पसंद हैं जो बगैर गुनाह के भी अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। क्यों असाबा इकराम क्या बहुत गुनाहगार थे, क्या पैगम्बर ने दीन के अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माज़ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या गुनाह, वो तो बिल्कुल गुनाह से पाक थे, फिर भी अस्तग़फ़ार पढ़ना पसंद करते थे और फरमाते थे कि अस्तग़फ़ार पढ़ो, तो मेरे अल्लाह को कितना पसंद है। किसी बद्दू ने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे जब हम मर जाएंगे तो हमसे कौन सवाल करेगा, तो उन्होंने कहा अल्लाह पाक हमसे सरबत सवाल करेंगे, तो उन्होंने कहा फिर तो हम बख्शेंगे, क्योंकि वो तो इतना गफूर रहीम है, रहमान रहीम है, वो हम पे जुल्म कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि हम जब जब, मैंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि ज़मीन से लेके आसमान की ऊँचाई तक अगर गुनाह होंगे, तो मेरे रब से तुम रो के एक बार कह दो अल्लाह मुझसे जाने अनजाने में बूझ कर हो गया मुझसे गुना, तू मुझे माफ़ कर दे, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, उसी पल बख्श देगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस बात से ये भी तौबा करें कि अल्लाह ये दोबारा मुझसे सरजद ना हो, अल्लाह हमें माफ़ करे। और मैं फिर एक बार कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे सगीरा और कबीरा और गुनाहों को, हम जितना भी सजदा करते हैं ना, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए करते हैं। लेकिन वो क्या आज़ाद थी, ऊँची शान थी, वो हबीब है, वो मोहम्मद है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हमेशा अपनी उम्मत के लिए गिरिया कर करके कहा मेरी उम्मत को बख्श दे, तो क्या है, माफ़ कर देना कहते हैं, बख्श देना माफ़ कर देने को कहते हैं। उन्हें पता था मेरी उम्मत हाथों से, जबान से, आँखों से, हर तरह गुनाहगार होगी, लेन देन में तोल में गुनाहगार होगी, और बुराई के रास्ते पे चलने में गुनाहगार होगी, माँ बाप से कुफ्रिया कलमात में गुनाहगार होगी, बहुत सारी चीज़ों में गुनाहगार होगी। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, और अल्लाह पाक अभी ये मगफरत का अशरा है और इस पर हम बात भी करेंगे।
और मैं अभी सिर्फ एक छोटी सी ब्रेक लूँगी और हम फौरन वापस आएंगे और हमारे प्रोग्राम की आन बान शान भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। लेकिन यहाँ पर छोटी सी ब्रेक, उस ब्रेक से पहले मैं आपको बता दूँ, तमाम बच्चे जो हैं वो जो नात्य मुकाबला ऑल पाकिस्तान नात्य मुकाबला हो रहा है और उसके अंदर आप उस में मुकाबले का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप लोगों के लिए गिफ्ट हैंपर है सब बच्चों के लिए, इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आप टेंशन ना लीजिएगा। और जो बच्चे विन करेंगे उन बच्चों के लिए गिफ्ट हैंपर भी हैं, कैश प्राइजेस भी हैं, ट्रॉफीज़ भी हैं। तो नातिया मुकाबला में हिस्सा बनने के लिए नंबर है 03158248704। तो फ़ौरन आप लोग हमसे रब्ता करें और उम्र सिर्फ आप लोगों को ज़रा सा ख्याल रखना है, 8 से 14 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो नातिया मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए आपने सिर्फ अपनी वॉइस व्हाट्सअप करनी है या अपने वीडियो आप भेज दीगा छोटी सी, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बुलवा लेंगे। यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ।